भाजपा के विधानसभा सह चुनाव प्रभारी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने कहा है कि झारखंड में विकास चुनावी मुद्दा है। श्री सरमा ने हमारे संवाददाता सोमेश पटेल से खास बातचीत में कहा कि झारखंडी युवाओं को हमें न्याय देना है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा से बात करेंगे। सर, क्या मुद्दा है, किन चुनौतियों को लेकर? देखिए, मुद्दा झारखंड का विकास है, झारखंड का अस्मिता है और झारखंडी युवाओं को न्याय देना है, यही हमारे मुद्दे हैं। लगातार बांग्लादेश घुसपैठ की बात कर रहे हैं। देखिए, घुसपैठी झारखंड को खा जाएगा। जैसे डेमोग्राफी चेंज हो चुका है, जैसे हर दिन डेमोग्राफी का परिवर्तन हो रहा है, संथाल परगना में जैसे आदिवासी और हिंदू माइनॉरिटी होते जा रहे हैं, ये बहुत ही चिंतनीय विषय है। NRC बना के उनको रोकथाम करना है। कांग्रेस संविधान बचाने की बात कह रही है। संविधान कहाँ खतरा में है? भारत का संविधान का सबसे बड़ा रक्षक, भारत का संसद बैठा हुआ है दिल्ली में, भारत का जनता बैठा हुआ है, भारत का प्रधानमंत्री दिन भर संविधान को रक्षा करने के लिए काम करता है, सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, तो ये राहुल गांधी कहाँ से आ गया? हेमंत सोरेन कह रहे हैं कि परेशान किया जा रहा है। हेमंत सोरेन सबको खुद परेशान करते हैं, हम जैसा व्यक्ति को यहाँ आने के लिए मना कर देते हैं, इलेक्शन कमीशन को चिट्ठियाँ लिखते हैं, वो तो सबको परेशान करते हैं यहाँ। आप सुन रहे थे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि झारखंड में विधानसभा चुनाव में जो तमाम मुद्दे हैं, चाहे बांग्लादेश घुसपैठ का मुद्दा हो या झारखंड में भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर BJP झारखंड में चुनाव लड़ रही है। अपने सहयोगी विकास के साथ सोमेश पटेल, DD News रांची।